आज जो हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 12.8 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस है। तो इसमें लिखा हुआ है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। ये 12.10 का डायग्राम है। सपोज द रजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। यानी कि जो R1 की वैल्यू है वो 5 ओम है, R2 की वैल्यू जो है वो 10 ओम है, R3 की वैल्यू जो है वो 30 ओम है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे R1 है तो 5 सी ऑर्डर में, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 30, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो 12 वोल्ट का दे रखा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हमने करंट पता करना है हर एक रजिस्टर में कितना आ रहा है, और द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रजिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि हमें पता है रजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। तो हम पहले हम रजिस्ट जो करंट फाइंड करेंगे वो अक्रॉस R1 फाइंड करेंगे, अक्रॉस R2 भी फाइंड करेंगे, अक्रॉस R3 फाइंड करेंगे, ठीक है जी। फिर हम टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो होते हुए गया वो फाइंड करेंगे, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। R1 5 ओम है, R2 10 ओम, R3 30 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। I1 फाइंड करना है, I2 भी फाइंड करना है, I3 फाइंड करना है, और टोटल करंट फाइंड करना है, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो इसके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो ये हमारे पास सर्किट था मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। अब इसमें हमको देखो V गिवन है, R1 गिवन है, I1 की वैल्यू मिल जाएगी। V कितना है आपके पास, 12 वोल्ट है। R1 कितना है आपके पास, 5 ओम है। 12 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू I1, ये कितना हो गया, 2.4 एम्पियर, ये I1 करंट मेरे पास आ गया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है करंट अक्रॉस R2। सेम यहाँ पर भी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V इज इक्वल टू I2 R2। V की जो वैल्यू है 12 है, I2 हमने फाइंड करना है, और जो R2 की वैल्यू है वो है 10 ओम। तो 12 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा I2, जीरो लगाए इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये मेरे पास करंट आ गया है अक्रॉस R2। अब मैंने फाइंड करना है करंट अक्रॉस R3। तो वी कितना है, 12 है, I3 हमने फाइंड करना है, और R3 कितना दे रखा है वहाँ पर, 30 ओम। तो 12 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, I3। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है जी। 3 5 15, 3 2 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2/5 इज इक्वल टू I3। ये इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है ना, क्योंकि हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, पॉइंट लगाया इधर 20 आया, 5 4 20, तो 0.4 आ गया। अब मेरे पास I1 करंट आ चुका है, I2 आ चुका है, और I3 आ चुका है। अब मैंने टोटल करंट जो है वो फाइंड करना है। टोटल करंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू I1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 2.4 एम्पियर, I2 की जो वैल्यू थी हमारे पास 1.2 एम्पियर, I3 की जो वैल्यू थी वो थी 0.4 एम्पियर।
ठीक है जी। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। तो जो टोटल करंट है इस सर्किट में जा रहा है यहाँ से, वो कितना था, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है और वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 30 है ओम जिसकी, उसका जो करंट है वो बहुत कम आ रहा है, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट कम हो जाएगा। और देख रहे हो जहाँ पर सबसे कम रेजिस्टेंस है वहाँ का करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो फाइंड करना है, टोटल करंट भी हमने निकाल लिया है, अब हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम सेम वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाएंगे, वी इज़ इक्वल टू आई आर पी। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने पहले भी कहा था पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो वी इज़ इक्वल, यहाँ पर वी क्या आएगा, 12, आई हमारे पास 4 है, आर पी हमने फाइंड करना है। तो 12/4 इज़ इक्वल टू आर पी, 4 3 12, तो ये 3 ओम जो है वो मेरे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते थे, इसका जो फॉर्मूला है हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्ट ही हमने वैल्यू से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर दी। बाय चांस अगर आपको ये सब वैल्यूज़ नहीं गिवन है और सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि हमारा जो ये आंसर आया है ये राइट है या रॉन्ग है। तो 1/5 + 1/10 + 1/30। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लिया हमने, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 6 = 30, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1, ये 1 आ गया। तो मेरे पास जो टोटल एलसीएम जो इसका आया है वो आया है मेरे पास 30। तो 1/RP इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 30, ऊपर इधर आएगा 30 30 डिवाइड बाय 5, दैट इज़ इक्वल टू 6 6 × 1 6 आ जाएगा, प्लस 30 डिवाइड बाय 10, 3 आ गया, 3 × 1 3। ये 30 डिवाइड बाय 31 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास आ गया 1/RP इज़ इक्वल टू 6 3 9 10 30। इसको हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, 30/10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले से भी हमारे पास जो आंसर आया वो 3 ओम का है। नेक्स्ट हम 12.9 एग्जांपल पढ़ेंगे। इन फिगर 12.12 आपके पास है 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30, R4 20 और R5 60 ओम, एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अरेंजमेंट। और ये 12 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर लगाई हुई है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो हमें इसका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट, और सर्किट में जो टोटल करंट है वो फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पर सर्किट में देख रहे हैं कि जो R1 R2 है इसके दोनों एंड एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो R3 और R4 और R5 है, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि इन तीनों का कॉमन पॉइंट जो है वो एक ही है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो एक इक्विवेलेंट इधर बन जाएगा रेजिस्टेंस, एक इधर आ गया, और तीनों को ज्वाइन करके एक रेजिस्टेंस इधर आ गई। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को फाइंड करेंगे, 1/RP का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम
हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है, मान लेते हैं ऊपर वाले के लिए 1/RP है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला लगेगा 1/R1 + 1/R2। तो जो मेरे पास गिवन है वैल्यू R1 की 10 ohm है और R2 की क्या है 40 ohm है, यहाँ पर मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ 1/RP इज इक्वल टू 1/10 + 1/40। ठीक है जी, ये हमें 40 गिवन है। 1/RP इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना बहुत इजी है क्योंकि जितने भी डिनोमिनेटर एलसीएम से ही सॉल्व होते हैं। 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40, 4। तो मेरे पास जो इसका एलसीएम लेके आया है वो आया 40, यहाँ पर मैंने 40 रखा, 40 को 10 से डिवाइड किया 4 आ गया, 40 को 40 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो 1/RP इज इक्वल टू आ गया 5/40। ठीक है जी, RP की वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा 40/5, ये आ गया हमारे पास RP इज इक्वल टू 8 ohm। ठीक है जी, तो अब जो हमारा सर्किट बन गया है, पहले जो हमारा सर्किट इस तरह से था, यहाँ पर ये मैं सर्किट बना के दिखा देता हूँ सिंपल। ठीक है, ये मेरे पास सर्किट था, तो इसमें ये वाला मैंने टोटल फाइंड कर लिया है, तो ये एक में कंबाइन हो गया, मेरा जो सर्किट है वो इस तरह से बन गया। ठीक है जी, ये मेरा एक कंबाइन हो चुका है। अब मैं ये सॉल्व करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये, क्योंकि ये भी पैरेलल में है, तो इसको मैं RP- दे देता हूँ, क्योंकि RP यहाँ पर मैंने दूसरे के लिए फाइंड किया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा R3 + 1/R4 + 1/R5। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिल कर देनी है और आंसर फाइंड कर देना है। R3 की वैल्यू है 30 ohm, R4 की वैल्यू है 20 ohm, R5 की वैल्यू है 60 ohm, 30, 20 और 60। तो यहाँ पर 30, 20 और 60 मैंने फिल कर ली। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 30, 20 और 60। अब क्योंकि ये 10 के टेबल पे इकट्ठे जाते हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 2 इधर आ गया, 3 × 2 = 6, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, मेरे पास जो एलसीएम आया 10 × 3 = 30, 2 = 60, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा RP- = 60। 60 को 30 से डिवाइड किया 2, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 और यहाँ पर आ गया 1। तो RP- की वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो आ गई 6/60, और RP- को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 60/6। RP- आ गया मेरे पास 10 ohm। अब क्योंकि मैंने ये तीनों रजिस्टर कंबाइन कर दिए हैं तो मेरा सर्किट जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो RP टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर वाले के लिए आया था वो था मेरे पास 8 ohm, और नीचे RP- जो आया मेरे पास वो कितना है 10 ohm। अब क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्ट है तो हम सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, RP + RP-। ठीक है, तो मेरे पास RP की वैल्यू 8 है और RP- की वैल्यू 10 है, तो सीरीज़ रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर आ गया 18 ohm। तो मेरे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई है 18 ohm। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो टोटल करंट पता करने के लिए हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल करंट और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 हम दे रहे हैं, I फाइंड करना है और यहाँ पर 18 आपको रेजिस्टेंस दे रखी है। 12/18 = I।
हम इसको सॉल्व करते हैं, 12/18 इज़ इक्वल टू आई, 2 6 12, 2 9 18 कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। इसको हम पॉइंट में निकालेंगे वो आ जाएगा 0.66 एम्पियर, ठीक है, पर इसको टू डिजिट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.67 एम्पियर। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाली ये जो वैल्यू है ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें ये एक 1 ऐड हो जाएगा, 0.67 एम्पियर आ जाएगा।